और इसी बीच एक और बड़ी खबर, 22 जनवरी को व्रत रखेंगे पीएम मोदी, प्राण प्रतिष्ठा के दिन उपवास रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 16 जनवरी को पीएम का संकल्पित अक्षत आएगा और अयोध्या अक्षत आएगा, जिसके बाद आपको बता दें कि 7 दिन का अनुष्ठान उसके बाद शुरू हो जाएगा, सरयू नदी में स्नान भी कर सकते हैं पीएम मोदी, ये भी एक जानकारी मिल रही है। तो 16 जनवरी को प्रधानमंत्री का संकल्पित अक्षत आएगा अयोध्या और उसके बाद जो है 7 दिन का अनुष्ठान शुरू होगा और प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन होनी है 22 जनवरी उस दिन प्रधानमंत्री उपवास रख सकते हैं और ये जानकारी मिल रही है कि 22 जनवरी को व्रत रखेंगे पीएम मोदी। तो अयोध्या आएगा पीएम का संकल्पित अक्षत जो कि 16 तारीख को आएगा और सरयू नदी में स्नान भी पीएम मोदी कर सकते हैं, साथ ही साथ 22 जनवरी का दिन जब रामलला को विराजमान कर दिया जाएगा गर्भगृह में, जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन व्रत रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आमतौर पर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, धर्म के अनुसार आपने देखा होगा जब भी घर में पूजा होती है तो उस दिन परिवार के सदस्यों की ओर से व्रत रखा जाता है। प्रधानमंत्री 22 जनवरी को उपवास रखेंगे, व्रत रखेंगे और सरयू नदी में स्नान भी करेंगे और इससे पहले 16 जनवरी को ही प्रधानमंत्री का संकल्पित अक्षत अयोध्या आ जाएगा। तो अक्षत आने के बाद 7 दिन तक अनुष्ठान होगा। पवन गौर ज्यादा बातचीत के लिए, जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, हिंदू धर्म में हम देखते हैं जब भी पूजा अर्चना होती है, कोई खास दिन होता है तो उस दिन परिवार के सदस्य व्रत रखते हैं, प्रधानमंत्री भी 22 जनवरी को व्रत रखने जा रहे हैं और साथ ही साथ सरयू नदी में स्नान भी कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार अपनी संस्कृति और अपने जो सभ्यता है उसका लगातार विस्तार करते आए हैं, लगातार उसका परिचय देते आए हैं, आपने देखा नवरात्रि के 9 दिनों में जब दोनों नवरात्रि होती है तो प्रधानमंत्री व्रत रखते हैं और सिर्फ जल और फलाहार लेते हैं, तो ऐसे में ही इतना बड़ा भव्य आयोजन एक 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहा है। बहुत 500 सालों के संघर्ष के बाद में अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजन होने वाला है, तो इस मौके पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपवास रखेंगे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन। जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार कोई भी कार्यक्रम होता है, पूजा होती है, तो आपने देखा होगा चाहे वो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हो, तो आपने जब कॉरिडोर का उद्घाटन देखा तो प्रधानमंत्री वहां गए, सीधे गंगा जी में स्नान किया और स्नान करने के बाद वहीं से जल लेके आए और वहां भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। तो इस ऐसे ही लगातार प्रधानमंत्री कभी भी ऐसा कोई मौका होता है तो उस पर पूरी जो क्रियाकलाप है पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और यही कारण है कि जब 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा तो उस दिन प्रधानमंत्री उपवास रखेंगे और पूरे दिन जो है प्रधानमंत्री कुछ अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा मौका है ये, वो पूरा एक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने वाला है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने तय किया है कि उस दिन पूरे दिन उपवास रखेंगे। बिल्कुल पवन, और इसके अलावा 7 दिन तक माना जा रहा है अनुष्ठान भी चलने वाला है, 16 जनवरी को जैसे ही प्रधानमंत्री का संकल्पित अक्षत पहुंच जाएगा अयोध्या तो उसके बाद से ही यहां पर अनुष्ठान शुरू हो जाएगा, तो 7 दिन तक या फिर 14 दिन तक, कितने दिन तक ये पर्व अयोध्या में चलेगा? देखिए, अयोध्या में ये जो पूरा जो अनुष्ठान का कार्यक्रम है वो 16 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा, लगातार जैसे ही जो सूर्य नारायण उत्तरायण में आएंगे, क्योंकि वो ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के बाद सूर्य नारायण उत्तरायण में आ जाते हैं, तो जैसे ही सूर्य नारायण उत्तरायण में आएंगे अयोध्या में ये पूरा जो कार्यक्रम है अनुष्ठान का वो शुरू हो जाएगा और 22 जनवरी को जो पूरा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उस दिन रहेगा, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम जो हस्तियां हैं और साधु संत हैं वो उस दिन पूरे इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, लेकिन 22 जनवरी को प्रधानमंत्री ने, क्योंकि प्रधानमंत्री पूजा को जो कोई भी पूजा कार्यक्रम का जो कुछ भी करते हैं तो पूरा विधि विधान से उसका पूरा फॉलो करते हैं, आपने चाहे वो काशी विश्वनाथ की बात करें, महाकाल कॉरिडोर की बात करें या बिल्कुल पूरी तरह से फॉलो करते हैं इन तमाम चीजों को प्रधानमंत्री, और इस बार भी ऐसा ही होगा। बहुत शुक्रिया पवन गौर तमाम जानकारी के लिए आपका। तो रामलला विराजमान होने वाले हैं और इस पल को लेकर पूरा देश उत्साहित है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रयागराज की एक बेटी ने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई पर लहरा दिया राम मंदिर का झंडा।
13,000 फीट की ऊंचाई पर जय श्री राम। देखिए इन तस्वीरों को। इस लड़की ने 13,000 फीट की ऊंचाई से स्काई जंप किया और इसके हाथ में था राम मंदिर का झंडा। रामलला की जन्मस्थली अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन होना है। इसी आयोजन के सम्मान में प्रयागराज की अनामिका ने राम मंदिर का झंडा लेकर आसमान से 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर बड़ा कीर्तिमान बनाया है। देखिए प्रयागराज की ये बेटी अनामिका थाईलैंड में एयरपोर्ट पर पहुंची, उसके हाथ में राम मंदिर का झंडा था। यहाँ से वो छोटे प्लेन में सवार हुई। देखिए प्लेन के अंदर की ये तस्वीरें। इसके चेहरे पर ना कोई डर था और ना ही कोई संकोच, वो बेहद खुश दिखाई दे रही थी। इस बेटी का आत्मविश्वास देखकर प्लेन में सवार सभी ट्रेनर भी हैरान थे। देखिए प्लेन जैसे ही 13,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, इस अनामिका ने प्लेन से जंप लगा दी। कैमरे में हर पल रिकॉर्ड होता रहा। अनामिका के हाथ में राम मंदिर का झंडा था जो 13